हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और ये हमारा हिंदू संवत्सर का नया साल भी आरंभ हो रहा है आज से, तो आप सभी को चैत्र मास शुक्ल पक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी हम अपनी चौकी लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर लेते हैं, सफाई, मंदिर की भी सफाई। एक तरफ गणेश जी विराजमान रहेंगे और एक तरफ
प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार। आए हम मंदिर में, जो मैं कर चुकी हूँ। मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। एक्चुअली 4:30 के आसपास हो गए हैं, तो अभी आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखी है और मैंने रात को ये भिगोया था, रात नहीं सुबह में भिगोया मॉर्निंग में साबूदाना, जिससे मैं खिचड़ी बनाऊंगी और साबूदाने की खीर बनाऊंगी। तो इसको हम दूध मेरा पहले से रखा हुआ, इसकी मलाई हटा के, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसमें पानी भी डालना पड़ेगा, तो मैंने 1 कप पानी डाला है अप्रॉक्स। ये लगभग 1.5 कप साबूदाना मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बाकी जो लेफ्ट ओवर साबूदाना है उसकी मैं खिचड़ी बनाऊंगी अभी थोड़ी देर। तो इसमें हम करछी डाल देते हैं ताकि ये लगे ना। अच्छी डालती है इसमें जो जो चीज़ें हमें डालनी है वो सारी मैं इसके अंदर अभी डालूंगी, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी हो जाता है, ऑलरेडी भीगा हुआ है। तो इसमें मैंने 2-3 रेशे डाले हैं केसर की, डाल दी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल से छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद अब हम करेंगे तैयारी अपने रायते की। आज मैं फ्रूट रायता बनाऊंगी इसके साथ में, तो अभी हम फ्रूट रायते की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसको इतने हम भून देते हैं जब तक हमारे आलू भी बॉईल हो जाएंगे। फ्रूट रायते के लिए मैंने लिया है दही, ये 1 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही है। अभी मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। ये मैंने पेट लिया है, इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा मीठा, तो ये मैंने क्रश शुगर ली है जिसको हम भूरा बोलते हैं। मैंने 1.5 चम्मच इसमें मिला दिया है। अभी हम टाइप कर देंगे, इसमें हम काटेंगे ये बनाना। जो भी आपके पास फ्रूट है ऑप्शनल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास केला, अंगूर, संतरा, सेब ये थे, बट संतरा मैं नहीं डालती हूँ, मोस्टली नहीं डालते हैं लोग फ्रूट टाइप में। तो अभी मैं इसी को यूज़ करूँगी। तो ये मैंने आधा ही सेब लिया है, अब हम इनको बारीक बारीक कट कर लेंगे इस तरीके से, और अंगूर को भी 2-2 पार्ट में करेंगे क्योंकि अंगूर भी काफ़ी बड़े हैं। तो ये मैंने अंगूर भी कट कर लिया है, मेरे 1/2 केला, इसको भी हम अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं छोटे छोटे पीसेस। तो ये हमारा फूल रेडी हो गए हैं, अब हम इसको इसमें अच्छे से चला लेते हैं और इसको फ्रीज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और ये हमारा
रेडी हो गई है, नीचे बैठी रहती है शायद। ये गाढ़ा हो गया है, मैं इसको बंद कर देती हूँ और ठंडा होने देती हूँ, फिर इसको हम फ्रिज में रखते हैं। इसको भी खोल लेते हैं। तो अब बना रहे हैं आलू की सब्जी। आलू टमाटर की तो इसके लिए मैंने ये टमाटर फ्राई कर लिए हैं। मैंने इसके लिए 3 टमाटर लिए थे, 4 हरी मिर्च और देसी घी में ये मैं सब्जी बना रही हूँ। मिर्च वगैरह डाल दीजिए सारी। आलू छील लिए जिसमें से हम 2-3 आलू बचा देंगे अभी उसके अपनी खिचड़ी के लिए, और बाकी हम इसमें डालेंगे क्योंकि ये हमें तरी वाली सब्जी बनानी है। तो आपको बस जीरा से ही फ्राई करना है, इसमें मैं ना ही लाल मिर्च डाली है ना ही कुछ और। इसमें हम व्रत वाला नमक यूज करेंगे, सेना नमक जो होता है। ये मैं नमक ले ली रॉक सॉल्ट, सेना नमक जिसको बोलते हैं। टमाटर तेल के पूरी तरह गल गए, अब मैं इसके लिए आलू और प्याज डाल दूंगी। पानी डाला है इसके अंदर, पकने देंगे हम थोड़ी देर के लिए, और इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे, उससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में। तो अभी मैं इसमें जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा उसके बाद में इसमें हरा धनिया। तो ये तो है हमारी सब्जी, खीर और रायता रेडी हो गया है, अब सिर्फ हर रही है हमारी तो खिचड़ी के लिए भी प्रिपेयर कर लेती। अभी इसमें बॉयल आने लगा है, अभी तो हम हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे अच्छे से, और 1-2 मिनट के लिए फिर देंगे। मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। और ये घी हम अब इसमें ये साबुदाना सारा स्ट्रेन हो गया है, और ये मेरे आलू जो इसमें डालेंगे, इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, जीरे का ही तड़का लगाएंगे और हरी मिर्च और ये आलू, इसमें हम मूंगफली डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी बहुत किशमिश या अदर आप ड्राई फ्रूट्स अगर डालना चाहती हैं तो वो डालेंगे। घी डाल लेती हूँ अपना 2 चम्मच के आसपास, मैंने देसी घी डाला है इसमें, डाल दी हूँ जीरा। ट्रांसपेरेंट होने लगा है और ये यहाँ पे चिपकना बंद हो गया है, मतलब घी छोड़ने लगा है। तो अब ये रेडी होने वाला है बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा ये डालूंगी नारियल बुरादा,
हम इसको गार्निश करेंगे इसकी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, नारियल और धनिये से इसको गार्निश कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा कलर दिखा रही है। तो ये हो गई है रेडी। का खाना रायता, घी, आलू टमाटर की सब्जी और ये साबूदाने की खिचड़ी। अब हम भोग लगाने के लिए चलते हैं अपना। ओम नमः शिवाय। तो अभी खाने का भोग लग गया है, खाना रेडी है, क्योंकि दिन छिपने से पहले पहले खाना खाते हैं। तो अभी मैं इसको खाना इस खाने को खा लूँगी। भोग मैंने लगा दिया है। आप अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, खाना पसंद आया हो, या आपको इसमें से कोई रेसिपी ट्राई करनी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बट बेल आइकन पर तो ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं नई नई ब्लॉग डालती रहती हूँ, वीडियोज डालती रहती हूँ, तो आपको होप्स वो ज़रूर पसंद आएंगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही। बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी नववर्ष।